ये सॉफ्ट जूसी गुलाब जामुन की तरह दिखने वाला आमले का मुरब्बा आज हम बनाएंगे बिना चीनी का इस्तेमाल किए हुए। इस रेसिपी में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और इसको घर पे बनाना इतना आसान है कि अगर आप इसको एक बार घर पे बना लेंगे तो आप अगली बार से मार्केट से आमले का मुरब्बा कभी नहीं खरीदेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी फॉर हेल्थ। मैं हूँ मेघा। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे फ्रेश आमला। तो मैंने यहाँ पे जो आमला लिया है काफ़ी फ्रेश है, हरे हरे है और इनमें दाग धब्बा काफ़ी कम है। अब हम इन आमलों को स्टीम कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और ये मैं ले रही हूँ एक स्टीमर। अगर आपके पास ये वाला स्टीमर ना हो तो आप कोई भी अपना स्टीमर में इसको स्टीम कर सकते हैं या फिर कोई प्लेट या बोल में भी इसको डालकर स्टीम कर सकते हैं। और अगर आप इसको स्टीम ना करना चाहें तो इसको बॉयल भी कर सकते हैं। इसको ढक कर अभी हम 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। तो 8 से 10 मिनट के बाद जो आमले हैं वो अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। ये देखिए उनका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है, ये ग्रीन से लाइट ग्रीन हो गए हैं और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो अब हम इसको हल्का ठंडा हो जाने देंगे और अब हम इनमें होल्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कांटा लिया है और एक फोर्क की मदद से अब हम अच्छे से सारे आमले में 15 से 18 बार फोर्क से इस तरीके से होल्स कर लेंगे, जिससे कि हम जब एक सिरप बनाएंगे वो सिरप इसके अंदर तक बिल्कुल अब्सॉर्ब हो जाएगा और जो कसीलापन है आमला का वो भी चला जाएगा। तो आप सारे आमलों को इस तरीके से प्रिक कर दीजिए फोर्क की मदद से और उसको एक साफ़ सुथरे कांच के कंटेनर में भर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक कांच का जार लिया है, उसमें मैंने सारे आमले को डाल दिया है फोर्क से प्रिक करके। अब मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे गुड़। तो मैंने यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का बिना डर्ट वाला गुड़ को अच्छे तरीके से महीन काट लिया है और उसको हम आमले के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। तो ध्यान दें कि जो आपका कांच का जार हो वो अच्छे से स्टेरिलाइज किया हुआ हो। अगर उनमें बिल्कुल भी स्मेल या फिर सीलन होगी तो आपका मुरब्बा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। गुड़ से हम अच्छे से आमले को कवर कर देंगे और इसको कवर करने के बाद इसको ढक कर हम 2 से 3 दिन तक के लिए इसको एक रूम में अच्छे से रख देंगे। आप चाहे तो इसको धूप भी दिखा सकते हैं, लेकिन आपके घर में अगर धूप ना हो तो आप बस इसको नॉर्मली बंद करके जार को 2 दिन तक किसी भी कमरे में एक शांत जगह में रख दीजिए। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे गुड़ और आमले को एक साथ कर दिया है। अब मैं आपसे मिलती हूँ 2 दिन के बाद। तो ये देखिए 2 दिन के बाद जो गुड़ है वो पूरा मेल्ट हो चुका है अच्छे से और काफ़ी इस वक्त इसमें पानी दिख रहा है। ये देखिए जो आमले का कलर है वो भी बिल्कुल ब्राउनिश हो गया है। तो इसको चाहे तो आप धूप दिखाकर 15-20 दिन में इस तरीके से ही तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बहुत ही जल्दी बनाने वाले हैं तो आज मैं इसको कढ़ाई में डाल के तुरंत से कुक कर लूँगी। तो एक कढ़ाई ले लीजिए और ये सारे आमले को अब डालकर हम इसमें कुक कर लेंगे जब तक गुड़ का चाशनी हम बना रहे हैं वो हल्का सा चिपचिपा सा ना हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सारे आमले का कलर भी चेंज हो चुका है और आमले ने अच्छे से गुड़ के सिरप को अब्सॉर्ब कर लिया है और अच्छे से खिले खिले से हो गए हैं। अब इसको हम कुक करेंगे और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें इलायची का पाउडर ज़रा सा फ्लेवर डालने के लिए। इसको अच्छे से मिक्स करके हम हाई फ्लेम में कुक कर लेंगे जब तक कि ये जो सिरप हम बना रहे हैं वो हल्का चिपचिपा सा ना लगने लग जाए और जो सिरप है वो अच्छे से आमले को कोट ना कर ले, तब तक हम इसको कुक कर लेंगे। तो इसको बीच बीच में चलाते रहें ताकि ये जल ना जाए और ये 10 से 15 मिनट के अंदर बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएगा। आप अपने उंगलियों की मदद से चेक कर लीजिए आपका सिरप रेडी हुआ या नहीं। तो ये देखिए जो सिरप है अच्छे से हल्का हल्का तार जैसा स्टिकी स्टिकी हो चुका है। तो इस वक्त आप फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए और ऑफ़ करने के बाद इस मुरब्बे को हम अच्छे तरीके से ठंडा हो जाने देंगे और उसके बाद हम इसको स्टोर कर लेंगे। तो हमारा मुरब्बा बन के बिल्कुल रेडी है और ये देखिए इसका कलर इतना अच्छा इतना प्यारा आया है और इसको बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगा है। तो ये मुरब्बा आप एक बार घर में बना लीजिए, इसमें चीनी का भी यूज़ हमने नहीं किया है। बहुत ही हेल्दी मुरब्बा है, विटामिन सी से भरपूर है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना देगा, आपको बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी का बूस्ट मिलेगा।
तो आप डेली एक पीस ये वाला आंवला का मुरब्बा खाइए और आपको अपने शरीर में जो फ़र्क है वो नज़र आने लग जाएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी आज की पसंद आई है तो इस रेसिपी को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और ये देखिए, मैं एक मुरब्बा तोड़कर दिखा रही हूँ ये कितना सॉफ्ट बना है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। आप हमारे फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Oh, oh, oh.